नमस्कार फ्रेंड्स, संडे कुक शो में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इनोवेटिव रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज मैं आप लोगों को एक यूनिक और हेल्दी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है अगस्त फूल के पकौड़े। अगस्त का पेड़ एक औषधीय वृक्ष है, यह बहुत ही गुणकारी होता है। आइए, जो जो इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी वो पहले देख लेते हैं। अगस्त के फूल चाहिए हमें 100 ग्राम्स, बेसन चाहिए हमें 150 ग्राम्स, राइस फ्लावर यानी चावल का आटा 75 ग्राम्स, अजवाइन 1 टीस्पून, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 15 ग्राम्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियाँ 50 ग्राम्स, वाटर हमने 1/2 लीटर का यूज़ किया है, ऑयल फ्राई करने के लिए। अब सबसे पहले अगस्त के फूलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनके बीज की जो डंडियाँ होती है, आइए उसको निकाल लेते हैं। अगर डंडियाँ रहेंगी तो इससे हमारी जो पकौड़े बनेंगे वो उनमें कड़वापन आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगस्त के फूल जो होते हैं 2 कलर में पाए जाते हैं, एक पिंक कलर की होती है, एक सफ़ेद में होती है। हमने यहाँ पे सफ़ेद का यूज़ किया है। अब आइए इनके घोल की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले बाउल में बेसन डालेंगे, अब चावल का आटा ऐड करेंगे, इसमें अजवाइन डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, चाट मसाला पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगस्त के फूल जो है हमारे त्वचा संबंधी बीमारियां भी ठीक करती है। अब गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसके बीजों में 75% प्रोटीन होता है, जिससे तेल बनता है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक आप अपने स्वादानुसार ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड करेंगे और पानी डालकर अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेंगे। अगस्त के फूलों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन ABC प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब घोल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इनकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होगी, आइए दिखाती हूँ मैं। यह बहुत ही गुणकारी होता है। इनके जो बीज हैं, छाल हैं, इन सब की यूज हो जाती है। फ्रेंड्स, पत्तियों का भी यूज होता है, काढ़ा बनाकर यूज करते हैं। आइए कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं, इसमें ऑयल डालेंगे। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड का यूज कर सकते हैं फ्राई करने के लिए, आप जो भी ऑयल खाते हो। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और ऑयल गर्म हुई है कि नहीं उसे चेक कर लेंगे बेसन के थोड़ी सी घोल डालकर। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, अब फूलों को एक एक कर बेसन की कोटिंग करके ऑयल में फ्राई करने डालेंगे और पकौड़ों को फुल फ्लेम पर ही फ्राई करें। और पकौड़ों को तब तक फ्राई करनी है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो अंत में निकालते वक्त फ्लेम को हम कम कर देंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से देखने में कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, गोल्डन ब्राउन हो रही है। फ्रेंड्स, ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही लाजवाब होता है, आप ज़रूर बनाइएगा। अब आइए पकौड़ों को निकाल लेते हैं। हमने टिश्यू पेपर पहले से ही रख रखा था ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब कर ले। वो और हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी है। अब इसे गर्मा गर्म चाय के साथ एवं हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं बाकी रेसिपी की जानकारी जाननी हो तो। धन्यवाद।